अरे जान, यहाँ पे क्या कर रही हो? अगर प्यार करती हो तो शादी करो अभी, ठीक है? मैं से बात ही मत करो। ये क्या कर रही है यहाँ पे? जिंदगी में अपनी शक्ल मत दिखा दियो मुझे। चल। मुझे इसके साथ मैं आप बिल्कुल नहीं रहती। ऐसे मत करो ना प्लीज, दफा हो जा, ठीक है? तू पागल हो गई है क्या? तू कैसे मेरी बीवी से प्यार कर सकती है? कोई लड़की लड़की से प्यार कर सकती है क्या? क्यों नहीं कर सकती? मैं करती हूं। पता नहीं है कि वो शादीशुदा है? मुझे नहीं पता है, दो साल पहले हम लोगों की शादी हुई है। मैं मान ही नहीं सकती उसकी शादी हुई है, ठीक है? इस तरह लड़ने के लिए आओ पहले मेरे भाई, लड़ने के लिए ये कुछ भी बोल रही है यार। और तुम कुछ बोल रहे हो उसका क्या कि शादी हो गई है? कुछ भी पूछो क्या हुआ है, तुम्हारी मम्मी सारी बात जानती है, सबको यहाँ पे जमावड़ा जो हुआ है, कैमरे लगे हैं, माइक लगे हैं, मम्मी से पूछो। अरे भाई मम्मी की बात में ये क्या बोल रही है उल्टी सी? भाई बीबी को कितने साल से जानते हो तुम? भाई मैं दो साल से जानता हूँ। दो साल से जानता हूँ ना, चुप हो जाओ। गलतफहमी हुई है तुम्हारी। एक मिनट मैडम, लड़ना बंद करो आपस में, मैं सारी चीज क्लियर करता हूँ, दो मिनट मुझे दो, ठीक है? हे गाइस, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ है मासूम भाई, और ये आंटी ने ही सबको यहाँ बुलाया। एक्चुअली ये आंटी का बेटा है जिसका नाम अमन है, और इनकी शादी आज से दो साल पहले हो चुकी है, और जो इनकी वाइफ है उससे ये प्यार करती है। बताओ अभी चार सालों से क्या सारी बातें जो आप बोल रहे थे, तमाम सारी बातें बताओ अभी। मैं बता तो रही हूँ, मुझसे चार साल से जानती हूँ, प्यार करते हैं मैं एक दूसरे से। उसकी शादी हो गई इनकी वाइफ से? इनकी वाइफ से नहीं, काजल से। अच्छा। इनकी वाइफ है, मुझे नहीं लगता इनकी वाइफ है। वो शादी कर ही नहीं सकती, मेरे से प्यार करती है। आंटी ये चीजें बताओ, आपको कब ऐसा पता चला कि जो आपकी बहू है वो ऐसी हरकतें करती है? एक्चुअली बेटा मेरी बहू रात में गायब रहती है, जो उससे पूछा जाता था तो बोलती थी मैं अपनी दोस्त के यहाँ जा रही हूँ नाइट स्टे करने या फिर घूमने फिरने कुछ भी, ठीक है? और उस समय आपके बेटा कहाँ रहते थे? मेरा बेटा बाहर रहता है। बाहर रहता है, तो बाहर रहता हूँ, लेकिन मम्मी क्या बोल रही हो आप? हाँ, मतलब कभी कभार जाना ठीक होता है, मतलब उसका रेगुलर हफ्ते में हम जो चार दिन तो उसने नाइट स्टे वहीं फ्रेंड के साथ ही करना है अपना। अच्छा। तो मुझे शक हुआ कि ऐसा क्यों है, कि कोई लड़का तो नहीं है, लड़की जो कर रही है ऐसे है वो है। तो एक दिन मैंने उसका पीछा किया, तो पीछे करते करते वो इसके घर पहुंच गई। अच्छा। ठीक है, तो मैंने वहां जाकर क्या देखा कि ये दोनों आपस में जैसे है, मिले आपस में थे जो आपको देखा नहीं गया। पहले आपस में ऐसे उसको हक किया जैसे एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते हैं, हस्बैंड वाइफ करते हैं, मतलब चिपका चिपकी इन्होंने करा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फ्रेंड्स में कई बार हो जाता है। मैं थोड़ा देर वहीं वेट किया, उसके बाद जो उन्होंने शुरू किया बस, अब मैं क्या बोलूं बताओ आपको। और सालू सही बात है, आप मतलब हो उसके साथ? हाँ बिल्कुल, मतलब इस तरह मैं उससे प्यार करती हूँ, बताया तो मैंने। भाई मैं ये बात मान ही नहीं सकता बिल्कुल। तुम नहीं मान सकते, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, ठीक है? लड़की लड़की का एक होना कोई मतलब समझ में नहीं आता है। ठीक है एक मिनट रुको, तुम गलत बोल रहे हो। देखो लड़की लड़की से प्यार करे, लड़का लड़का से प्यार करे, तुम चाहे किसी से प्यार करो, उस चीज़ के लिए हम राजी हैं, लेकिन उसकी शादी हो चुकी है, तुम्हारे साथ भी धोखा हुआ है सालू, ये चीज आंखें खोलो। मुझे पता ही नहीं उसकी शादी हो चुकी, मुझे कोई पता नहीं चला। खोलना पड़ेगा ना तुम्हें। एक चीज बताओ, तुम्हारी उससे बात होती है? हाँ बिल्कुल होती है। तुम अगर अभी प्रूफ कर सकती हो? हाँ कर सकती हूँ, मैं जहाँ भी बुलाऊंगी आ जाएगी। भैया एक मिनट मेरी बात सुनो, ये लड़की बोल रही है प्रूफ करने के लिए, मुझे 10 मिनट टाइम दो, आप थोड़ी देर साइड हो जाओ, ठीक है? अगर प्रूफ नहीं कर पाई ना फिर मैं इसके खिलाफ केस कर दूंगा। कर दिया तो क्या कर लोगे? ओके कर दिया तो क्या करोगे? और नहीं कर पाई तो? मैडम भैया मेरी बात करूंगी, 5 मिनट टाइम दो, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है? आंटी आप यही हो ना, आप साइड हो जाओ थोड़ी देर, ठीक है? नहीं कर पाई फिर बताता हूँ, ठीक है? सालू जब वो आए तो नॉर्मली बात करना, जो भी रियलिटी है सारी चीज को यहाँ पे बात करना, ताकि मैं कैमरा में रिकॉर्ड कर सकूँ, उस भाई को मैं प्रूफ दे सकूँ, ठीक है? अरे जान, यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं ठीक हूँ, बैठो। क्या हुआ, यहाँ क्यों बुलाया मुझे? बस ऐसे तुमसे बात करनी थी। क्या है आजकल तुम आ नहीं रहे हो, टाइम मैम नहीं दे रही हो? अरे वो थोड़ा सा बिजी हो गई थी ना इसीलिए। मैं जानू क्या हुआ? ठीक ही हूँ, बस मूड ठीक नहीं है मेरा। क्यों क्या हुआ? तुम मिलने ही नहीं आती हो ज्यादा। अरे वो मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी ना इसलिए नहीं। बिजी हो गई थी? ऐसा तो नहीं कहीं अफेयर चल रहा हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, और मेरे को लगता है कि तुम शायद इधर उधर भटक रही हो, तभी मैं से ना मिल रही हो ना आजकल ज़्यादा बात बात कर रही हो दो नहीं, दो तो दिन से। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, और खाना खा के आई हो? हाँ खाना खा के आई हूँ। मैं कह रही थी ऐसा करते हैं ना, शादी वादी कर लेते हैं, कब तक ऐसे घूमेंगे, है ना? करेंगे, अभी क्या जल्दी है, अभी थोड़ा करियर बनाने दो थोड़ा। अच्छा कब तक करेंगे? यही 5-6 महीने, अभी रुक जाओ थोड़ा। 5-6 महीने मैं नहीं रुक सकती अभी, पता है मेरे को ना अभी बहुत जल्दी शादी करनी है। तुम बताओ
अभी थोड़ा कुछ दिन रुक जाइए, फिर उसके बाद अभी मुंबई में सेटल हो जाएंगे। नहीं यही कर लेते हैं, मुंबई नहीं जाना, यही करेंगे। ठीक है, हाँ मुंबई जाके क्या करेंगे, यही शादी कर लेंगे, यही कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा मुझे टाइम दो फिर। मुझे लग रहा है तुम करना ही नहीं चाह रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं करना चाहती हूँ। कौन फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो, मतलब टाल रही हो? 5 महीने 6 महीने 10 दिन का टाइम। अभी काम कर रही हूँ इसीलिए मैं। नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे लग रहा है कि तुम कहीं और शादी वादी कर रही हो या कहीं और अफेयर वफेयर चल रहा है। क्या फालतू मुझे लग रहा है, मैं वही बोल रही हूँ। ठीक है, तुम शादी कर रही हो नहीं कर रही हो? प्यार व्यार करती हो ऐसी? नहीं हाँ मैं बहुत करती हूँ। मुझे नहीं लगता प्यार है, प्यार करती हो है ना? क्या करूँ प्यार करती यार, मुझे नहीं लगता है। थोड़ा सा मुझे टाइम दो बस, उसके बाद। मैं बिल्कुल टाइम नहीं देना चाहती। अगर प्यार करती हो तो शादी करो अभी। ठीक है? अरे मेरा बच्चा ऐसे जिद मत करो। नहीं अब मैं प्यार से मानने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले फोर्स करने लगेंगे फिर शादी के लिए, कहीं शादी मेरी कहीं और करा देंगे, इससे अच्छा तो चलो ठीक है मान लेते हैं शादी कर लेंगे। फिर हमें आगे प्रॉब्लम होगी पैसे वैसे की, तो फिर क्या करें? क्या प्रॉब्लम होगी? अभी हम कर रहे हैं ना काम, हम कर काम हमारा चल रहा है ना, अभी आगे भी चलता रहेगा तो अभी कम चल रहा है ना। शादी के बाद हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे, जितने हैं वही रहेंगे है ना। अभी तुम नहीं समझ रही, थोड़ा मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। मुझे तुम पे शक हो रहा है। क्या हुआ तुम्हें? फीवर हुआ है क्या? फीवर क्या, तुम्हारी वजह से इतना मूड खराब रहता है, तुम बहाने बना रही हो। मैंने अब क्या किया? मैं थोड़ा काम में बिजी हो गई थी इसीलिए ऐसा कर रही थी। नहीं मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि तुम मुझे बस बहाने दे रही हो, टाल रही हो। ठीक है मुझे ये सब सुनना ही नहीं है। अगर तुम्हें शादी करनी है तो बोलो, वरना मेरे से दूर हो जाओ फिर। अरे नहीं बाबू मैं तुमसे ही शादी करूंगी, टेंशन मत लो। अरे क्या उतनी देर से बाबू, बाबू इतनी देर से बस प्यार से बात घुमा रही हो। सीधा सीधा साफ साफ बोलो, करनी या नहीं करनी है, करनी बात है लेकिन नहीं मुझे बस अभी करनी है, अभी तुम चलो। अरे नहीं अभी अभी चलो नहीं, इधर बैठो तुम, बताओ रीजन, बताओ रीजन, बताओ मुझे। रीजन यही है, मैंने बता दिया। मैं क्या रीजन? काम काम। अगर तुम्हारी फैमिली में कोई इशू मुझे बताओ, फैमिली में जाके बात करेंगे। नहीं फैमिली में कोई इशू, मुझे मुंबई नहीं जाना, मुझे यहीं शादी करनी है, यहीं रहना है। ठीक है कुछ तुम करना चाहते अलग, क्या बहुत हम अलग कर रहे हैं। ठीक है मुझे कुछ नहीं चाहिए। बारे में सोचा है कुछ मैंने, बहुत बड़ा क्या सोचा है बताओ कि आगे आगे बहुत सारा हमें पैसे कमाना है, अच्छा घर होगा हमारे यार, पास पैसे आराम से हम दोनों रहेंगे, अच्छी गाड़ी होगी हमारे। मुझे मस्का मत लगाओ, ठीक है मैं मानने वाली नहीं। मैं मस्का नहीं लगा रही, मैं मस्का क्यों लगाऊंगी? नहीं मुझे पता है तुम बहाने बना रहे हो, जरूर तुम्हारा कोई अफेयर चल रहा है। ठीक है अच्छा लगता है तुम्हें? हाँ मुझे लग रहा है, मुझे शक है तुम्हें। 3-4 दिन में तुम ऐसे कर रही हो या कुछ? 3-4 दिन में यार क्या, और कितना टाइम चाहिए तुमको? मतलब इतना टाइम मैं देती आ रही हूँ ना, अभी देख रही हूँ मेरे पास टाइम नहीं है बात। मुझे बस अभी करनी है, या तो करो या तो फिर जाओ, मेरे को मेरे से कोई बात नहीं। इतनी जिद नहीं करते हैं। अच्छा जिद नहीं कर रही हूँ मेरा यार, तुम ऐसे प्यार से बोल के मेरे को मना लेती हो, हर बार मना लेती हो प्यार से बोल के मुझे। मना नहीं रही, मेरी जान हूँ समझा, कोई जान वान नहीं है, बस अगर करनी है तो करो, नहीं तो कोई बात। यार तुम तो जिद पे ही बैठ गई हो। मैं जिद करके ही आई हूँ, घर से ही जिद करके आई हूँ मैं। ठीक है तो अभी करेंगे, अभी हम अगर करेंगे तो घर वाले पूछेंगे, 100 सवाल करेंगे अगर हम करें। ठीक है घर वालों से मेरी बात करा दो, मैं घर वालों से बात कर लेती हूँ। हाँ मैं कराऊंगी उनसे बात, मैं बात कर लूंगी। तुम नहीं कर पाओगी, मुझे नहीं लगता तुम बात कर पाओगी। ठीक है मैं को बोलो, मैं नंबर लगाओ, मैं बात कर लेती हूँ घर पे। थोड़ा सा टाइम दो फिर मैं करूँगी। मुझे टाइम नहीं देना है, मुझे बस अभी फाइनल डिसीजन चाहिए प्लीज, अभी थोड़ा सा टाइम दो। नहीं गुस्सा क्यों, मेरा मूड बहुत ऑफ है, मुझे बस फाइनल डिसीजन चाहिए। तुम कर रही हो या नहीं कर रही हो? बहुत अच्छा लग रहा है टॉप, कहाँ से लेके आई? अरे जाओ यार मेरे से बात मत करो यार, मुझे मुझे मस्का मत लगाओ। क्यों इतना गुस्सा कर रही? अरे यार गुस्सा आ रहा है ना 2-3 दिन से तुम्हारा ना व्यवहार चेंज लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं तो चल रहा है तुम्हारा। छोड़ मुझे, मेरा कहीं नहीं चल रहा है, मैं किसे चल रहा? शादी कर लो, करेंगे शादी कर लो, बात खत्म तो अभी। क्या अपने घर वालों से मेरी बात कराओ, मैं बात कर लेती हूँ। ये मुझे मस्का लगाना छोड़ो, थोड़ा सा समझो अभी। मस्का नहीं लगाऊ मैं मस्का नहीं लगा रही, क्यों नहीं समझ रही हो बात? मुझे लग रहा है ना तुम ऐसे मेरे को टाल के ना कहीं लग रहा है। अरे यार तुम रहने दो, ठीक है मैं से बात ही मत करो। ये क्या कर रही है यहाँ पे? दोस्त है, इससे बात कर रही थी दोस्त में, तो थोड़ा बहुत होता है। थोड़ा हम दोस्त है ना? दोस्त नहीं, मैंने क्या बताया था, प्यार करते हैं मैं एक दूसरे से। ठीक है तो मैं भरोसा नहीं था ना, अभी अपनी आंखों से देख लिया ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है बस। क्या बोल रही है? प्यार, तू प्यार करती है? क्या आप इनसे बोल रहे हैं? कौन दोस्त है मेरे? ये दोस्त है आप? हाँ। ये दोस्त वाली हरकतें कर रहे थे तुम्हारी? तो दोस्तों में चलता है, मैं प्यार करती हूँ। दोस्त कब है? मैंने पहले भी बताया था ना मेरी दोस्त तो नहीं प्यार है ना, दोस्त है। तुम बोलो ना, अभी अपने हस्बैंड के सामने कुछ भी बोल रही है मेरी? तुम बताओ मुझे, धोखा देना था ना, पहले बता देती। बताओ ना कौन है ये? बताओ कुछ नहीं।
नहीं मुझे बता रही कौन है। कुछ नहीं बताओ। मैं नहीं जानती इसको। तुम क्यों नहीं? तुम नहीं जानती इसको? मैं नहीं जानती तुम्हें। दो साल पहले हमारी शादी नहीं हुई थी यार। मैं नहीं जानती। क्या है ये ड्रामा? क्या है सच्चाई बताओ। ये तो बोल रहे कि तुम्हारी शादी हुई इससे दो साल पहले। कुछ नहीं है। अच्छा ओए मुझे झूठ बोल रहा हूँ ठीक है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये फोटो भी झूठ बोल रहा है क्या? ये क्या है ये? ये भी झूठ है ना? ये मतलब, फेरे लेते हुए वीडियो। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। हाँ जब मैं यहाँ तुम्हारे साथ शादी हुई है मेरी। मैं इसके इसे प्यार करती हूँ, इसके साथ रहना चाहती हूँ। सुन लिए? जबरदस्ती शादी हुई है? क्या बात है? अबे तुम उस टाइम बोलना चाहिए था ना यार। ये झूठ बोल रहे हो। शादी हो गई है तुम्हारी इससे। तुम जबरदस्ती हुई है मेरी शादी? यही बात तो बताती तुमने। मेरे को बताना चाहिए था ना। सोच रही थी बताने के लिए। सोच रही थी लेकिन बता नहीं दिया। मैं बताने के लिए खिलवाड़ कर रही थी। मुझे बोल देती ना कि तू किसी और से प्यार करती है। आंटी आप बताओ। मतलब सब मैं मजबूर थी इसलिए नहीं बताई थी। आंटी आप सारी लाइफ बर्बाद कर दी तुमने। मेरी भी लाइफ और उसकी भी लाइफ। क्या मना करूं मैं इसे? मेरे फैमिली वालों ने जबरदस्ती शादी कराई तुमसे। तो तुम मुझसे बोलती ना? तुम मुझसे बोल देती। छोटी बच्ची क्या तुमसे बोलती? मैं जबरदस्ती शादी कर रही हूँ। यार बात बताओ तुम छोटी बच्ची करवाने की क्या बात है? मुझे बताओ तुम चुप रहो ठीक है? मम्मी नहीं क्या चुप रहो? बोली तुम मुझे ये नहीं है। मम्मी छोड़ो इसको। सुन तुझे जिसके साथ रहना है ना और जो करना है तुझे तू वो कर। मुझे ना अब तेरी शक्ल भी नहीं देखनी है। यार मुझे गली में तुझे डिवोर्स दूंगा समझ गई? हम तो जाए ऐसे देख रही मुझे जिंदगी में ना अपनी शक्ल मत दिखा दियो मुझे। हां चल चल बहुत अच्छा हट। मुझे इससे ना उम्मीद नहीं है। झूठ बोल रहा है। क्या झूठ बोल रहा है? शादी हुई है तुम्हारी फोटो दिखा रहा है अभी भी झूठ बोल रहा है। शर्म करो इतने पानी में डूब मरो ठीक है। मेरी दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखा रहा ठीक है। मेरी मजबूरी क्या मजबूरी थी? शादी की छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हो तुम्हारी मजबूरी थी कि तुम उसको धोखा दो? तुम तो उसे धोखा दिया उसको भी धोखा दिया दोनों को धोखे में रखा। पहले तो तुम जानती हो ना मुझे। हाँ तो उससे शादी क्यों की? मेरी मजबूरी थी। मेरे पैर जबरदस्ती कर रहे थे मेरे साथ। अब मजबूरी का बहाना बना रहे हो? मैं उनको बोलने ही वाली थी बताने लेकिन बोला नहीं ना। अपना दोबारा मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाना इसको ना पुलिस के हवाले। छोड़ मुझे ठीक है। हाथ नहीं लगाना। तुम तो मुझे समझो। मुझे इसके साथ मैं बिल्कुल नहीं रहती ठीक है। मत करो ना प्लीज। दफा हो जा ठीक है। मेरी बात सुनो। उधर वीडियो बन रही है तुम्हारी अच्छे से देख लो। रिकॉर्ड हो रही है। सब कुछ रिकॉर्ड हो रही है। और धोखा दो सारा माना चाहिए तुम्हें। रिलेशन में रहते हुए शादी भी कर रही है। दो दो लोगों की जिंदगी खराब कर रही है। जब तुम्हें उससे कैसा इंटरेस्ट है तुम्हारा?